बाल अपराधी भाग गए। बाल संरक्षण गृह से 5 बाल अपराधी भाग गए। बताया जा रहा है कि टॉयलेट का रोशनदान तोड़कर ये लोग भाग निकले। 5ों को ढूंढने के लिए पुलिस जुटी हुई है। 6 महीने पहले भी ये भागे थे। 7 अपचारी बताया ये जा रहा है कि 5ों को ढूंढने में पुलिस जुटी हुई है। तो 6 महीने पहले भी ये बाल अपराधी यहाँ से भागे थे। ग्वालियर बाल संरक्षण गृह से 5 बाल अपराधी वहाँ से भाग गए। टॉयलेट का रोशनदान तोड़कर ये लोग वहाँ से भाग निकले। इससे पहले भी इस तरीके से वहाँ से भाग चुके हैं। फिलहाल पुलिस की जो टीम है इन्हें ढूंढने में जुटी हुई है। ग्वालियर बाल संरक्षण बाल संप्रेक्षण गृह है, यूनिवर्सिटी रोड पे, ये थाटीपुर क्षेत्र अंतर्गत आता है। इसमें से रात्रि के दौरान बता रहे हैं जो यहाँ के केयर टेकर है, उन्होंने बताया रात्रि 3 से 4 के मध्य में 5 बाल अपचारी जो है वो नए बाथरूम के पीछे वेंटिलेटर हटा के उसमें से निकल के भाग गए हैं। तो अब क्या प्रक्रिया चल रही है? क्या नई प्रक्रिया? जो संबंधित थाने जहाँ से इनको गिरफ्तार करके भेजा गया था उनको सूचना दी गई है और तलाश करवा रहे हैं। किस किस तरह के अपराध हुए? एक इसमें 302 का है, थाना जनकगंज का, और 4 चोरी के हैं। तो 6 महीने पहले भी भागे थे बाल संरक्षण गृह से 5 बाल अपचारी। बताया जा रहा है कि टॉयलेट का रोशनदान तोड़कर ये भाग गए। फिलहाल इनको ढूंढने में जुटी हुई है पुलिस। 5ों की तलाश कर रही है। इनके बारे में अभी तक कोई सुराग पुलिस की टीम को नहीं मिला है। तो राज्य से ग्वालियर बाल संरक्षण गृह का रोशनदान का जो हिस्सा है उसको तोड़कर टॉयलेट का रोशनदान से ये 5 जो बाल अपराधी हैं वो भाग निकले। बताया ये जा रहा है कि इससे पहले भी इस तरीके से यहाँ से भाग गए थे। फिलहाल पुलिस की टीम इन्हें ढूंढने में जुटी है।